बरसों से आजमाया हुआ सना हर्बल तेल भी रेमेडीज का ए जाए, कमजोरी और थकावट को दूर भगाए, आपको रखे चुस्त और दुरुस्त, पूरे परिवार के लिए हर्बल टॉनिक ए जाए। राजधानी दिल्ली के ओखला के जामिया नगर में बीती रात को शिया समुदाय के लोगों ने जामिया नगर थाने का घेराव किया और आज तक के एंकर रोहित सरदाना के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। जामिया नगर के बटला हाउस से सैकड़ों लोगों और महिलाओं ने हाथ में कैंडल लेकर थाने तक पैदल मार्च किया और आज तक के एंकर रोहित सरदाना के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि रोहित सरदाना ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और आपके बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में गलत टिप्पणी और अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जिससे सभी मुस्लिम समाज के लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है। रोहित सरदाना जो आज तक चैनल के एंकर हैं, उन्होंने जो जबान अभी इस्तेमाल की है इस्लाम की मुकद्दस हस्तियों के बारे में, आज हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया है और ये एहतजाजी मार्च कैंडल मार्च की सूरत में बटला हाउस से लेकर थाना जामिया नगर तक किया गया है। और हमारा प्रशासन से यही मुतालबा है कि जो गुस्ताखी और जो बदज़बानी उस शख्स ने की है उसके खिलाफ हुकूमत हिंद कदम उठाए और ऐसे लोगों को ऐसे मुजरिमाना हरकत पर जो सज़ा है वो दी जाए और ऐसी मीडिया जो एक अहम तरीन सुतून है जमहूरियत का, उसमें ऐसे लोगों को काम करने ना दिया जाए। चूँकि ऐसे लोग देश में नफ़रत फैलाना चाहते हैं और दुश्मनी का माहौल बनाना चाहते हैं, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता, हमारे देश की अखंडता, उसको तोड़ना चाहते हैं। हमारे मदद में माँ का रुतबा बहुत बड़ा है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। हमारे यहाँ जो हमारी जो ये प्रॉफिट मोहम्मद की आल है उसकी उसके लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, मगर उनके बारे में कभी गलत नहीं सुन सकते। जिसमें जामिया नगर थाने ने रोहित के खिलाफ शिकायत दर्ज कर DD नंबर दे दिया है और FIR करने के लिए सोमवार तक का समय मांगा है। रोहित सरदाना तारिक फतेह की राह पर चलते हुए सुर्खियां बटोरने के लिए और सुरक्षा हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। वसीम अख्तर, न्यूज़ मैक्स, दिल्ली।